वालेकुम, नमस्ते, सौ श्री अकाल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज का वीडियो हम देखने जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने जो है उनके ऊपर एक वीडियो है जिसमें सीएम योगी की फ्री बस सेवा पर क्या बोली ये मुस्लिम महिला। योगी जी ने फ्री बस सर्विस दी है जिस पर जो है वो औरतें जो है वो अपना रिव्यू दे रही है, और स्पेशली एक मुस्लिम लेडी है जो योगी जी की इस टॉपिक के ऊपर जो है बस के ऊपर अपना रिव्यू देती हुई नजर आ रही है। तो जल्दी से चलते हैं और सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैनल पर न्यू हूं तो फ्रेंड्स लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करो ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो यार। राखी वाले दिन बस का किराया हुआ फ्री, तो ये मुस्लिम महिला योगी पर बोल बैठी ऐसा। योगी की ऐसी की जमकर तारीफ कि बस के यात्री भी देखते रह गए। और ये एसी बस है, एसी बस में भी आज महिलाओं के लिए फ्री किया गया है। क्या नाम है आप? डॉक्टर नाजिया। नाजिया जी, क्या कहेंगी, उत्तर प्रदेश के सीएम ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को एक तोहफा दिया, बहनों को एक तोहफा दिया, क्या कहेंगी? अच्छी बात है ये, एंड एक कोई ना कोई ऐसा मौका होना चाहिए जिसमें ऐसे लोगों को ही बेनिफिट होना चाहिए जो वैसे अफोर्ड नहीं कर सकते कि एसी बस में जा सके, वो सारी फीमेल्स भी किसी दिन सुकून से ट्रैवल कर सके। क्या कहेंगे, आपके लिए भी फ्री है या आपसे भी टिकट के लिए बोला है? नहीं, हम तो सुबह आते हैं, मतलब मेरे लिए तो डेली है क्योंकि मेरी ड्यूटीज आजकल यहाँ चल रही हैं, तो सुबह भी फ्री था। ऐसा तो नहीं है क्या कि हिंदू बहनों के लिए फ्री और मुस्लिमों के लिए फ्री नहीं है? नहीं, सुबह मेरे से टिकट नहीं लिया गया, मतलब टिकट दिया उन्होंने जीरो बैलेंस का, जीरो बैलेंस का टिकट दिया। क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं या फिर इस तरीके की राजनीति करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ तो ऐसा डिफरेंशिएशन कभी नहीं हुआ है, यहाँ भी काम किया, यहाँ PGICH हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम जैसे तीन चार ही हैं, तो आई डिड नॉट फाइंड एनी डिफ्रेंसिएशन, मतलब हमारी जनता में तो नहीं है, बाकी राजनीति में कहाँ है वो नहीं पता। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि योगी जी का परिवार ही नहीं है, शादी नहीं की, उनको क्या पता लगा परिवार क्या होता है, लेकिन योगी जी ने कहा कि बहनें सब बहनों के लिए फ्री कर दो। ये अच्छी बात है डेफिनेटली, बट क्योंकि योगी जी के बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं, उन्होंने ये बेनिफिट दिया, दैट इज़ रियली गुड, बट बाकी और कुछ कमेंट नहीं कर सकते। क्या कहेंगे, कितने का टिकट लगता है यहाँ से? यहाँ से अलीगढ़ का 298 का है इस बस में, 298 का। हाँ, लेकिन आप मानती हैं कि इस बार दो दिन फ्री कर दिया तो ये बड़ा बेनिफिट मिलेगा महिलाओं? हाँ, डेफिनेटली, डेफिनेटली हम जैसे जो आ सकते हैं इसमें और जो नहीं भी आ सकते उनके लिए भी बेनिफिट है डेफिनेटली, एटलीस्ट वो इस दिन तो ट्रैवल कर सकते हैं ना एसी बस में सुकून से, अपने बच्चों के साथ, अपने कंफर्ट, ज़्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में। नाजिया जी, आप मानती हैं कि जिस तरीके से त्यौहार आया तो एक प्रथा चलाई योगी जी ने कि जो बहनें सोच के रह जाती थीं कि भाई मेरे को अपने भाई के हाथ में राखी बांधनी है लेकिन टिकट 400 रुपये का, मैं नहीं जाऊँ, यहीं पर राखी रख लूँ, लेकिन अब वो फ्री बस में टिकट सफ़र करके खुल के जा रही हैं और भाई को राखी भी बांध के। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली ये उन लोगों के लिए डेफिनेटली बेनिफिट हुआ होगा, बट मेरे एक्चुअली सर्कल्स में ऐसे लोगों से इंटरेक्शन मेरा नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि टिकट नहीं ली है, बिल्कुल जीरो बैलेंस वाला टिकट है, तो ये उनके लिए तो बेनिफिट है ही है बिल्कुल, मतलब इसमें तो कोई ना की बात ही नहीं है। ये हम सारे लोग जा रहे होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कल को। आप सुबह ही तो टिकट लिया क्या? टिकट की पर्ची दी है, जीरो जीरो जीरो। हाँ, जीरो लिख के। और अब जाएंगी? हाँ, अभी फिर वही होगा, जीरो जीरो, क्योंकि ये बता दिया गया है कि जीरो जीरो है आपके लिए आज। और कल आएंगी? हाँ, कल सुबह ड्यूटी है मेरी, फिर कल भी जीरो। हाँ, सुना है, मतलब कल जब जीरो मिल जाएगा तो फिर यकीन हो जाएगा कि जीरो है, यानी खुशी की बात है। हाँ, दैट्स नॉट नाइस, अप्रिशिएट करती है, डेफिनेटली डेफिनेटली मानती है कि योगी जो कर रहे हैं खासकर महिलाओं के लिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का बेनिफिट तो हमने देखा, बाकी हम लोगों की एक्चुअली लाइफ इतनी बिजी होती है कि हम सीधा अपनी ड्यूटी जाते हैं और सीधा वहाँ से वापस आते हैं, सुबह 6 बजे के निकल के रात में लेट नाइट, मतलब नियरली 8 बजे पहुँचते हैं, तो उसके बाद हमें ज़्यादा दाएँ बाएँ सोचने का टाइम नहीं होता है, अलीगढ़ जाएंगे। हाँ, मानती है कि पहले से कुछ बेहतर हुआ है उत्तर प्रदेश में? ये सर्विसेज तो बहुत अच्छी हुई है, मतलब डेफिनेटली आई अप्रिशिएट दीज सर्विसेज। वुमेन सुरक्षा को लेकर क्या समझती हैं? आई फील सेफ एनीवेयर आई ट्रैवल ऑल अलोन। अकेली सफर करती हैं? हाँ, आराम से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कहीं छेड़खानी वाले कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, आराम से, आराम से। आप मानती हैं कि जो योगी ने कहा था कि अगर कोई मेरी बहनों से या बेटियों से कोई छेड़छाड़ करेगा, कमेंटबाजी कसेगा, तो ऐसे मजनूओं का इलाज हो जाएगा? हो जाना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि आई फील सेफ, आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस पिछले 7 महीने से ट्रैवल कर रहे हैं, एंड नॉट वन डे डिड आई फील अनसेफ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
और जिस तरीके से बुलडोजर से भी कार्रवाई होती है कुछ अपराधियों पर, भू माफियाओं पर, या फिर जो मजनू बनते थे, छेड़खानियां करते थे, महिलाओं को परेशान करते थे, बुलडोजर से आप कैसे समझती हैं? बुलडोजर से कुछ एक्चुअली होता ही है ना कि जिनको एक एक स्ट्रांग स्टेप वो 10 वीक स्टेप के बराबर होता है, तो अगर एक स्ट्रांग स्टेप ले लिया तो शायद बाकी वीक स्टेप से वो स्ट्रांगर था और आगे ऐसे एक्टिविटीज नहीं होंगी। फिर क्या समझती हैं कि ये बहुत बड़ा स्ट्रांग स्टेप लिया है योगी जी ने कि बुलडोजर से कार्रवाई करेंगे? स्ट्रांग स्टेप तो है, डेफिनेटली है, और शायद एक स्ट्रांग स्टेप वो 10 वीक स्टेप से बेहतर होगा। ये हम इसका रिजल्ट तो आगे ही देख पाएंगे, क्या क्या हमारे आगे अगले 1-2 साल में 3 साल में इससे क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं सोसाइटी में। डॉक्टर साहब, आप अलीगढ़ के हैं, अलीगढ़ से लगातार खबरें मिला पहले मिला करती थी कि आज यहाँ पर बवाल हो गया, उत्तर प्रदेश में आज यहाँ पर बवाल हो गया, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसी कोई खबर नहीं मिलती। क्या कहेंगी आप, मानती हैं कि हाँ उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज है वो दायर हो रहा है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए, अपेरेंटली हम जैसे जो मतलब ट्रैवल कर रहे हैं और दाएं बाएं देखते हैं तो इनसिक्योर कभी फील नहीं हुआ ट्रैवलिंग में। अकेले ट्रैवल करो, साथ में ट्रैवल करो, किसी के साथ भी ट्रैवल करो। यूपी में बड़े बड़े भू माफिया या बड़े बड़े माफिया होते थे, चाहे मुख्तार अंसारी की बात की जाए, चाहे विकास दुबे जैसे माफियाओं की बात की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनका जो एक माफिया गर्दी चला करती थी उसने, बुलडोजर ने उस माफिया गर्दी को ख़त्म कर दिया। आप क्या समझती हैं? एक्चुअली पॉलिटिक्स में मेरा इन्वॉल्वमेंट और इन्फॉर्मेशन बहुत मीगर है बिकॉज ऑफ माई लाइफ स्टाइल एंड माई वर्क प्लेस। मेरी ड्यूटीज़ कभी 24 आवर्स भी होती है और अगले 24 आवर्स भी होती है, तो एक्चुअली इनका स्टेप्स क्या हुआ और अंजाम क्या हुआ इसके बारे में अंदाजा थोड़ा कम है बेसिकली, इस लाइक यू नॉट कमेंट ऑन दीज। तो आप समझती हैं कि इस वक्त यूपी सेफ है महिलाओं के लिए? हम जैसों के लिए तो सेफ है, पिछले 7 महीने से आई एम सेफ, ट्रैवलिंग सेफ, कंफर्टेबल, और सब जगह से हर जगह से कोऑपरेशन ही मिला, हर जगह से कोऑपरेशन मिला। ऐसा तो नहीं है कि आज बस में चढ़ी तो उसने आके कहा कि नहीं आप तो टिकट देंगी, आज तो इनके लिए टिकट फ्री है? नहीं। अगर टिकट सोनिया के लिए फ्री है तो टिकट सानिया के लिए भी फ्री? हाँ, डेफिनेटली मेरे लिए भी फ्री था, सुबह फ्री आए। हाँ, भैया के साथ ही आए थे, कुशांग भैया के साथ, 6 बजे वाली बस से आए थे। अच्छा, तो टिकट फ्री था। कैसे देखनी, अगर मैं एक बात करूँ आपसे कि 24 का भी इलेक्शन है, इलेक्शन को कैसे देखती हैं मोदी, अगर योगी को हटा के हम मोदी के बारे में बात करें तो इसको कैसे देखती हैं आप? कि इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स ये मेरा लीस्ट इंटरेस्ट और लीस्ट इन्फॉर्मेशन वाली फील्ड है। आप मेरी मेडिकल फील्ड के बारे में पूछोगे ना तो किस मर्ज का क्या इलाज है ये हम बता सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आई कैन नॉट कमेंट क्योंकि इन्फॉर्मेशन मेरी बहुत लिटिल। एज ए PM अगर मैं बात करूँ तो क्या आप मानती हैं कि इस बार प्रधानमंत्री बदल आने चाहिए देश के, या तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को मौका मिलना चाहिए, या फिर मोदी की जगह राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता दीदी या अखिलेश यादव, इनमें से किसी को PM बना देना चाहिए? देखिए, हमारा जो बिलीफ है, जो यकीन है, वो ये है कि गॉड डज द बेस्ट फॉर यू, अल्लाह ताला आपके लिए बेस्ट करते हैं, और हमारी जो व्यू है वो बहुत लिमिटेड है, तो हम ये दुआ मांगेंगे कि जो कंट्री के लिए बेस्ट हो वो हो, चाहे वो मोदी जी के शक्ल में हो, चाहे राहुल गांधी के शक्ल में हो, चाहे किसी की भी शक्ल में हो। हमें दो बार से तो देश और आप भी प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को देख रही हैं, तो दो बार से आपको कैसा फील हुआ? देखिए, बस वही है कि व्हाट आई प्रे इज वॉट एवर इज द बेटर फॉर द कंट्री वही हो, चाहे वो जिसकी भी शक्ल में हो। बेटरमेंट की हम दुआ मांगते हैं, हम किसी इंसान के लिए दुआ नहीं मांगते हैं। दो टर्म एज ए PM मोदी के कैसे रहे? ठीक रहे, मतलब इनिशियली नोटबंदी में डिफ़िकल्टी हुई, लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई, 5-6 साल पहले नोटबंदी में ठीक ठाक डिफ़िकल्टी हुई, यहाँ पे जो ओखला में जो प्री कोविड से जस्ट पहले जो एजिटेशंस हुए उसमें भी लोगों को डिफ़िकल्टी हुई, इस पार्ट में डिफ़िकल्टी हुई या उस पार्ट में डिफ़िकल्टी हुई, आई वॉज नॉट द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेंट तो इसलिए नहीं कह सकते हैं, बट ये है कि वॉट एवर इज़ द बेस्ट फॉर द कंट्री शुड हैपन, दैट इज़ वॉट आई प्रे फॉर, बीट इन एनी पर्सनस फेस, एनी पर्सनस नेम। कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल को इस बार PM बना देना चाहिए। केजरीवाल के बारे में बस यही पता है कि वह दिल्ली का CM है, बस उसके अलावा कुछ नहीं पता। अच्छा करता है तो अच्छा रहे, और अगर अच्छा नहीं करता है तो कोई और बेहतर आए, बस कोई और बेहतर आए, जो बेहतर हो वो बेहतर हो, ना किसी का नाम ना किसी का काम, जो कंट्री के लिए बेटर हो वो हो। चंद्रयान
के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप तो डॉक्टरेट हैं, आप डॉक्टर हैं। चंद्रयान पहुंचा हुआ, हालांकि पाकिस्तान में बड़ी दिक्कतें रही चंद्रयान के पहुंचने पर, जिस तरीके से चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो पाकिस्तान वालों ने खुशी मनाई थी, लेकिन चंद्रयान 3 होने पर पाकिस्तान के ही मंत्री ने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान में भी इसका ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप जहाँ भी कोई भी चीज़ अच्छी होती है तो कुछ खुश होने वाले होते हैं, कुछ बुरा मानने वाले होते हैं। ये इंसान के साथ भी है और कंट्री के साथ भी है। यही वो इंडिया के साथ भी हुआ कि जब आपको पता है कि किसी की फोर्सेस पर जो सक्सेसफुल होता है तो आप या उससे उसका बुरा फील कर सकते हैं या अच्छा फील कर सकते हैं। तो वो उनकी फीलिंग्स थी जो उन्होंने तब बुरा फील किया, लेकिन आप खुश अगर खुश नहीं भी हैं तो भी खुश तो होना ही उनको, उनकी मजबूरी है। थ्री की सक्सेसफुल आप क्या बोलती हैं, क्या सोचती हैं? ये पूरे नेशन के लिए और एज एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन हम सब के लिए एक अच्छी बात है, प्राइड, मोमेंट ऑफ प्राइड बेसिकली, बड़ी खुशी की बात है। हाँ, डेफिनेटली। चलिए, बस आखिरी सवाल ये है कि अब खुशी है कि महिलाओं को आज जैसे टिकट फ्री किया है योगी जी ने, तो इससे बेनिफिट मिला होगा? हाँ, मिला होगा। हर वो फीमेल जो अपने भाई के पास नहीं पहुँच पा रही होगी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से, तो वो एटलीस्ट पहुँच जाएगी। योगी के लिए क्या सोचती हैं? उन्होंने ये अच्छा किया और आगे भी अच्छा करते रहे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन। बस, क्या नाम है? नाजिया, डॉक्टर नाजिया। हाँ, चलिए, डॉक्टर नाजिया हमारे साथ मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि किस तरीके से जो एक बड़ा कदम उठाया गया है बहनों के लिए, हालांकि जब मैंने सवाल पूछा कि ऐसा तो नहीं है कि सोनिया से टिकट नहीं लिया और सानिया से टिकट मांग लिया, तो डॉक्टर नाजिया का ऐसा कहना है कि हम सुबह आए, हमारे टिकट पर 0 लिखा हुआ था और अब हम वापस जा रहे हैं तो भी टिकट पर 0 लिखा मिलेगा, और कल फिर अगर यदि वापस आएंगे तो शायद टिकट पर 0 लिखा मिले। कल भी टिकट फ्री है, आपको पता है? हाँ, ये पता चला है। तो कल भी टिकट पर 0 फ्री? हाँ। चलिए, आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा से। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, और आप देखें कि हिंदुस्तान में स्पेशली योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट आने के बाद काफी इम्प्रूवमेंट दिखने को मिली है, जिसमें उन्होंने चोरों को सबसे पहले भगाया, फिर उसके बाद जो माफिया है जो इल्लीगल तरीके से दूसरों की जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए थे या गवर्नमेंट की चीजों पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था, तो उसको उन्होंने कह सकते हैं कि वहां पे बुलडोजर चलाकर और जो है वहां से उन लोगों का सारा चलाकियां जो है वो खत्म कर दी। वहीं पर ही अगर हम देख लें तो योगी आदित्यनाथ जी ने इतनी सारी चेंजिंग्स लेकर आए हैं, गुंडागर्दी यूपी से ख़त्म करा दी है, और इसके बाद अब देखें मजीद ये है कि वहां पर राशन भी लोगों को दिया जा रहा है, सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं गैस के जो कि फ्री में, और सबसे बड़ी बात अब ये भी आ गई है कि अब वहां पर औरतों के लिए 2 दिन के लिए जो है फ्री होगा ट्रैवलिंग। आई थिंक ये ट्रैवलिंग फ्री में है तो जाहिर सी बात है वहाँ की लेडीज बहुत ज्यादा खुश होंगी जो ट्रैवल नहीं कर पाती थी किराए की वजह से, तो ये वो भी ट्राई कर पाएंगी। सो आई थिंक ये बसेस जो 2 दिन के लिए फ्री हैं ये बहुत ही अच्छी बात है, और इसी तरह से कंटिन्यू रहे, और वहाँ की लेडीज जो हैं जो ट्रैवल नहीं कर पाती या फिर काम पर जाती हैं तो उनके लिए बहुत ही मसले होते हैं, और उनके लिहाज से अब देखें ये लेडीज इतना ज़्यादा खुश हो रही है कि लेडी खुश हो रही है क्योंकि उनको ट्रैवल करने को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, आना जाना उनका फ्री हो जाएगा, तो इससे बड़ी और उनके लिए क्या खुशखबरी हो सकती है कि वो इन पैसों को बचाकर वो अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकेंगी या अपने घर में इस्तेमाल कर सकेंगी। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है वहाँ के लोगों के लिए, और इसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है प्राउडली। ये जो लेडी हैं वो कह रही हैं कि जो है हमारे लिए इन्होंने ये स्टेप उठाया जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। तो भाई योगी जी नो डाउट सबके लिए सोचते हैं, ये बात तो कंफर्म हो गई है, स्पेशली लेडीज के लिए उन्होंने बहुत सोचा और बहुत ही अच्छा सोचा है, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी जो अच्छा काम हो भाई उसको तो अप्रिशिएट करना बनता है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।